अस्सलाम वालेकुम। ये जनाब, आज हमने मसाला बोटी बनानी है, जिसको हम छोटी बोटी बोलते हैं। कढ़ाई टाइप बनानी है सैरी के लिए। अब इसकी कटिंग करते हैं तो फिर बताता हूँ कौन से साइज़ की कटिंग करनी है ये। तो बाकी जो मटेरियल है सारा साथ साथ बताऊँगा आपको। चलिए हम कटिंग शुरू करते हैं। ये देखें, इस साइज़ की कटिंग कर ली इसकी सारी। इस साइज़ की कटिंग करके इंशाल्लाह मिलते हैं। मैं सारी कटिंग कर लूँ उसके बाद मिलते हैं। ये देखें, ये देखें इसकी माशाल्लाह कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। इस तरह ये कटिंग इस तरह करनी है। इसे छोटे भी कर सकते हैं आप। मैंने लुवाई में मुझे पसंद था इसलिए मैंने ऐसे लिया। अब इसको अच्छी तरह वॉश करें। वॉश करके उसके बाद इसका नींबू लगाना है। नींबू और नमक, थोड़ा सा नींबू लगाने से इसका कलर भी ख़राब नहीं होता। तो फिर इसको वॉश करके फिर आगे की तरफ चलते हैं। ये देखें साफ हो गया इसका स्किन। और साथ लीमोन, दो लीमोन। बीज निकाल देंगे इसको। इसको अच्छी तरह मेल्ट कर दें। इसके अंदर नमक डाल लें तकरीबन थोड़ा सा, बस चम्मची एक चम्मच का चौथा हिस्सा डाल दें, चौथा हिस्सा। उसको थोड़ी देर रखें, फिर उसके बाद तलना है इसको। चलिए थोड़ी देर बाद इसको करते हैं मेल्ट हो जाए। ये देखिए, जब तक ये मेल्ट होता है ना, तो उस वक्त हम प्याज वगैरह काट लेते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, प्याज कटिंग करते हैं, इंशाल्लाह बनाते हैं इसको। ये सारी में इंशाल्लाह सारी करने के लिए बड़ी लाजवाब और ताकतवर चीज़ है कि कमज़ोरी वगैरह नहीं होती। रोज़ा जो रखता है इंसान। ये देखें, ये इसको हल्का हल्का फ्राई करना है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, बोटियाँ ऐसे नहीं खाई जाती। ऑयल डाल दें थोड़ा सा, उसमें जाकर फ्राई करें। ये बीफ, बीफ का है ये बीफ, जिसे हम पंजाबी में कट्टा कहते हैं, कट्टे के गोश्त लेके हैं। हल्का से रेडी करना है, जब होता है फ्राई में बताता हूँ। ये देखें, बस इतना सा फ्राई करना है। ये कलर देखें, कलर चेंज हो गया ना। ये देखें कलर, ये देखें इस तरह का फ्राई करना है बस। और अब इसके अंदर प्याज डालने हैं, तीन से चार प्याज। फिर भी मैंने ज़्यादा बनानी है तो मैंने तो उस हिसाब से पाँच प्याज डालो। थोड़ा सा पक जाए फिर अदरक लहसुन डाल दें। और जब मैं फ्राई कर रहा था ना, तो इसके अंदर वो थोड़ा सा ज़ीरा डाला था, वो मैंने बताना भूल गया। ये देखिए, अदरक लहसुन है और टमाटर। टमाटर को ऐसे इसलिए डालते थे, इसका छिलका आराम से उतर आता है। ये इसको डाल, और नमक मिर्च जो भी है अपनी बस पे जायका वो डाल दें। बस इसको पकने दें, बिल्कुल लो आँच पर पकने दें। इसका पानी छोड़ रहा है, बिल्कुल लो आँच पर पकने दें। ये छिलका बाद में उतार दे करें, ऐसे वैसे वो छिलका नहीं उतरता सही तरह। ये देखिए, नमक मिर्ची अपनी मर्ज़ी से डालनी है, और इसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी करके डालनी तो बेहतर है, क्योंकि ये फिर सही गल जाएगा। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा पानी डाला गर्म। अब इसको पकने के लिए रखते हैं बस लो आँच पर। ठीक है, इसको पकाते हैं, फिर जब गल जाएगा फिर इसको हल्का छिड़का पुनः छिड़ी लगा के फिर मज़ेदार। तो रोज़ा मेरा चले, इंशाल्लाह देखते हैं फिर पूरा खैर करेगा। ये देखिए, इस छिलका ऐसे मोड़ कर,
ऐसे ही पीछे कर लेते हैं। ये देखिए इसको बाद में मैसेज ये डिस्क्रिप्शन में तो पकेगा ये जब इंशाल्लाह होता है कि आगे बताते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है देखिए माशाल्लाह ये अब होने लगेगी इसके अंदर दही डालनी है और ये तैयार है माशाल्लाह। ये देखिए दही डाली इसके अंदर और उसको हल्की आंच पे थोड़ा सा पकाएं और ये आपके माशाल्लाह तैयार हो गई। बोटी मसाला ये देखिए माशाल्लाह ये बाद में सहरी करेंगे इसके अंदर मज़ा आ जाएगा। ये देखिए जब तैयार होती है फिर दिखाता हूँ आपको इंशाल्लाह। उसके ऊपर थोड़ी सी मेथी डालें थोड़ा सा धनिया हो मज़ेदार। ये देखिए माशाल्लाह ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसके अंदर थोड़ी सी मेथी डालें और धनिया तैयार है आपकी बोटी का। रोटी मसाला छोटी मोटी बोल सकते हैं इसको। ये देखिए माशाल्लाह तो अच्छा डालने के लिए तैयार है।